हाय गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं कामरान अली, आप देख रहे हैं कामरान अली टीवी। मेरे साथ है आतिक अहमद भाई, एक नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में दोबारा हाजिर हुए हम लोग। वीडियो शुरू करने पहले से आप सब दोस्तों से एक गुजारिश है हमारी कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर करें। तो गाइस, आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है सोनमर्ग टू कारगिल कश्मीर विया जो जिला पास स्नोफॉल। और इस ये वीडियो जो ली गई है ये सफर स्टोरीज चैनल से वीडियो ली गई है। ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट मिल जाएगा, उनको भी जरूर फॉलो कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बगैर किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं ताकि जो है ज़्यादा इंतज़ार ना हो और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आज भाई साहब बाइक में, ये है सोनमर्ग जहाँ मैं खड़ा हूँ और यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होने वाली है सोनमर्ग से लेकर कारगिल की। सोनमर्ग से लेकर कारगिल का डिस्टेंस है करीबन 123 किलोमीटर और जाने के लगते हैं 3.5 से 4 घंटे अगर आप नॉन स्टॉप जाते हो तो। बट मुझे कम से कम 5 से 6 घंटे लगे थे क्योंकि जोजिला पास के पास काफ़ी ट्रैफिक था और थोड़ा सा स्नोफॉल भी हो रहा था और रेनफॉल भी हो रहा था। उसके अलावा रोड भी कहीं की जगह पे थोड़ा सा ख़राब है और बीच बीच में काफ़ी जगह पे मैं फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए रुक रहा था इसलिए। वैसे नज़ारा जो है इस रास्ते का वो काफ़ी देखने लायक है और बहुत ही सुंदर है। चारों तरफ आपको पहाड़ मिलेंगे, स्नोफॉल भी आगे आपको देखने को मिलेगा, तो देखते रहिए। इस रास्ते से जाते हुए आपको देखने के लिए मिलेंगे ये बड़े बड़े पहाड़, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये लंबी लंबी नदियाँ, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, कच्ची सड़कें, पक्की सड़कें, बंजर जमीन, हरी हरी जमीन, छोटे छोटे रोड, बड़े बड़े रोड, चौड़े चौड़े रोड, छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे घर और आपको मिलेगा स्नोफॉल भी और बड़ा लंबा चौड़ा ट्रैफिक भी, आते जाते हुए कुछ लोग भी। और सबसे बढ़िया बात की सीनरी आजू बाजू की देखने लायक जो है जिसके लिए कश्मीर जाना जाता है, तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। रोड की कंडीशन की बात अगर करें तो रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, 10 में से मैं इसको दूंगा 7 पॉइंट्स क्योंकि कुछ कुछ जगह पे काफ़ी बैड पैच है जहाँ पे आइस मेल्ट होकर पानी वगैरह जाते हैं, वहाँ पे कुछ कुछ जगह पे रोड कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू है तो आने वाले कुछ महीनों में या कुछ सालों में लेह जाना यहाँ से सोनमर्ग से काफ़ी आसान हो जाएगा। विंटर में ये रोड बंद होता है जो कि अप्रैल में खुलता है और अक्टूबर में बंद होता है, मतलब अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक खुला रहता है। रोड थोड़ा हिली है और कुछ झिकझैक भी है, कुछ कुछ जगह पे छोटा रोड है और कुछ कुछ जगह पे काफ़ी बड़ा है। चूँकि ये नेशनल हाईवे 1 है तो इसका जो रखरखाव है काफ़ी अच्छे से किया हुआ है और काफ़ी सारे पैसेंजर यहाँ से गुजरते हैं। ये देख सकते हैं आप जोजिला पास के पास कितनी लंबी लाइन लगी है क्योंकि आगे लैंड स्लाइडिंग हो रही थी तो कुछ लोग वहाँ पे काम भी कर रहे थे तो लैंड स्लाइडिंग की वजह से भी वो लोग रिपेयरिंग का काम कर रहे थे, उसके ऊपर हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, इसकी वजह से भी थोड़ा सा ट्रैफिक जाम वहाँ पर लगा हुआ था। हम लोग जा रहे हैं जोजिला पास से होकर, कारगिल जाते समय आपको द्रास के पहले एक एंट्री पॉइंट लगेगा जहाँ आपको अपने खुद का और व्हीकल का एंट्री करना पड़ेगा और आपके थोड़े वहाँ पे डिटेल्स भी देनी पड़ेंगी, तो आपके आइडेंटिटी कार्ड्स की जेरोक्स वगैरह वहाँ पे आप निकल के रखिए। मुश्किल से आपको 5 से 10 मिनट का समय लगेगा और वहाँ पे आपको कोई पैसे नहीं देने होंगे। सोनमर्ग से कारगिल जाने के लिए टैक्सी का किराया करीबन आपको 3,500 से लेकर 4,000 तक का पड़ेगा और आपको ले जाने के लिए आपको कारगिल में स्टे करना पड़ेगा क्योंकि एक दिन में अगर आप करना चाहते हो तो कश्मीर से श्रीनगर से वहाँ की जर्नी आप नहीं कर सकते।
आजकल तो बस भी जाती है श्रीनगर से होकर लेह तक, या फिर अगर दिल्ली से भी जाना चाहते हो तो दिल्ली से भी लेह तक बस में आप जा सकते हो। स्नोफॉल हो रहा है भाई, इधर मजा आ रहा है। स्नोफॉल हो गया तो स्नोफॉल कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा मालूम नहीं मुझे, लेकिन स्नोफॉल हो रहा है। दिख रहा है भाई, बिल्कुल दिख रहा है, कैमरे में नहीं दिख रहा है स्नोफॉल। चलो स्नोफॉल तो देखने का चीज नहीं है, मतलब एक्सपीरियंस करने का चीज है। यही है द्रास के लिए एंट्री पॉइंट, जहाँ पे आपको अपने डिटेल्स और आपके व्हीकल की डिटेल्स यहाँ पे रजिस्टर करनी पड़ती है, और वो लोग काउंट करते हैं कि कितने लोग इस रूट से पास हुए हैं। इसके लिए आपको बेसिक कब के आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, और बाकी आपको 5 मिनट के अंदर भी आपका एक रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। Thank you.
टू फोर अंदाजा लगा लो कि आपको ये थकन जो है और इतना जो वो है ना, क्योंकि इसमें देखो आपने हर चीज खुद करनी है, आपने गाड़ी भी खुद चलानी है, आपने खाने पीने का इंतजाम भी खुद करना है, होटल का इंतजाम भी खुद करना है। और मेरी नजर में असल ट्रैवलिंग ही यही है। वो ट्रैवलिंग क्या है, ट्रैवलिंग है कि यार आपने गाड़ी बुक करवाई, जा रहे हैं, आगे पहुंचे, होटल बुक है, सुबह को उठे, आपका टूर गाइड आ गया, उसके साथ चले गए, गाड़ी में बैठे घूमने चले गए, वापस आए, उठे। ये तो कोई मेरी नजर में आपके कहने का मकसद सिर्फ ये है कि बंदे के पास अपनी मर्जी और जहाँ दिल चाहे जहाँ जिस टाइम निकलना अपनी मर्जी से निकल जाए। गाड़ी का सबसे बड़ा फायदा ये, चाहे गाड़ी हो या बाइक हो, सबसे बड़ा फायदा ये कि टूर के दौरान में जैसे इन्होंने बोला ना कि 3 घंटे लगते हैं, लेकिन मुझे तकरीबन 5 घंटे पता नहीं लगे या लगेंगे, इस तरह बताया वीडियो के शुरू में, तो के उन्होंने पिक्चर्स वगैरह ले ली जाएंगी। सबसे ज्यादा मजा यही है सर, जहाँ से जहाँ आपकी गाड़ी होगी ना, तो जहाँ दिल किया रुक गए, कैंप लगाया, खाना बनाया। हम लोग जब एक दफा टूर पे गए थे तो इवन के छोटा गैस वाला सिलेंडर, मतलब जरूरी बर्तन, खाने पीने का सामान अपना था, जहाँ भी दिल किया कुकिंग की अपनी, हल्ला गुल्ला किया और उसके बाद फिर आगे निकल गए। और वाले देखें वीडियो यार बहुत अच्छी थी भाई साहब। एक चीज वहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग था जो भाई साहब ने वहाँ जैसे वो सारी चीजों को एक साथ बताया ना, वो चीज सुनकर बहुत अच्छा लगा, यानी यूनिक सा उनका तरीका था। अच्छे बंदे, यानी कि अपनी वीडियोस वगैरह भी अच्छी बनाते हैं। और देखा जाए तो उसकी वीडियो में बहुत एक यही मैं कहता हूँ, एक होता है जो बहुत ही स्टाइलिश तरीका होता है, यानी तरीका है, और इन्फॉर्मेशन पूरी होती है उसका सारी चीज़ें, क्या चीज मिलेगी, कितना ट्रैवल टाइम लगेगा, रोड कंडीशन क्या है। पहले भी हमने एक दो वीडियोस की थी, उसमें उन्होंने हर चीज डिटेल के साथ बताई थी कि इतना ट्रैवल टाइम है, इतना डिस्टेंस है, ये पॉइंट्स आएंगे, यहाँ से आप खाना खा सकते हो। याद है वो थी नागपुर टू मुंबई, ऐसा ही दिशा है। उसमें तो उन्होंने मतलब ये भी बता दिया था कि अगर आप चाइनीज हो और आपने चाइनीज खाना है तो कहाँ से मिलेगा, पंजाबी हो पंजाबी खाना कहाँ से मिलेगा, मराठी खाना कहाँ से मिलेगा। असल में उनकी जो वीडियो होती है ना, जहाँ तक हमने देखी इनके जो वीडियो हमने बनाई है, जिस चीज पे वीडियो बना रहा डिटेल्स में वीडियो होती है, और ये इसी के हवाले से साबित होता है कि काफी एक्सपीरियंस और रफ एंड टफ ये वो है बाइक राइडर है, मतलब बिल्कुल बहुत ट्रैवल किया हुआ है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। क्योंकि जहाँ से जो ज्यादा ट्रैवल करता है उसी को चीजों का ज्यादा पता होता है। तो अगर बात देखा जाए तो रोड वगैरह जैसे उन्होंने कहा है 10/7 बिल्कुल ऐसा है। बाद में ऐसी रोड जगह पे होती है जो जहाँ लैंड स्लाइडिंग वगैरह होती है वहां पे पानी रोड खराब होता है, ये बात तो सही है क्योंकि किसी भी इलाके में हो। तो ओवरऑल तो वीडियो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी और नाइस गुड थी, परफेक्ट वीडियो, बिल्कुल ऐसे ही। तो गाइज हमें आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसे लगा, या कोई और वीडियो जिसपे आप चाह रहे हैं हम रिएक्शन करें। हमें खुशी होगी अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करेंगे। हमें नेक्स्ट रिएक्शन तक या नेक्स्ट रिएक्शन की वीडियो तक इजाजत दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बस थैंक यू।